देखिए भाई, आज का जो प्रैक्टिकल हमारा है और इस चैनल के ऊपर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप रोजाना प्रैक्टिकल मिल रहे हैं और ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों को। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्लास रेगुलर चल रही है और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर लाइक शेयर करते हो तो आपके सहारे से ये चीज़ें चल रही हैं। अकेले आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक कहावत भी होती है ना कि अकेला सड़ा भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो नहीं अकेला कुछ नहीं कर सकते हम। आप लोगों का ही सपोर्ट है और आप लोगों के सहारे से हम ये चीज़ें एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ज़्यादा टाइम ना गंवा कर प्रैक्टिकल तो भाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिकल रहेगा, आप लोगों ने घरों में सभी ने देखा होगा कि एक पानी की टंकी होती है और पानी की टंकी के अंदर आप लोग एक अलार्म लगाते हो कि ताकि वो पानी की टंकी जब भर जाती है, उस कंडीशन में आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो, तो उस समय आप एक अलार्म लगा देते हैं, उसके टंकी के अंदर डाल दिया जाता है वायर को, और पानी की टंकी भरते ही ये अलार्म बज जाता है कि आपकी टंकी पानी की टंकी भर चुकी है। ठीक है, अब ताकि उस मोटर को हम बंद कर सकें। ठीक है, नहीं तो नहीं लगाते हैं तो पानी व्यर्थ बहता रहे। ठीक है, पानी इधर उधर भी करता रहे। इस सुविधा के लिए हमारे एक अलार्म सुविधा अपनाई गई है, इसी के हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए किस प्रकार से अपने कनेक्शन करने हैं, किस प्रकार से ये अलार्म बजती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है अलार्म। क्या है ये अलार्म? है, जैसे इसको हम क्या करते हैं, ऑन ये लगाते हैं तो इसके अंदर जो बत्ती है वो लाइट ऑन हो जाती है। देखिए, सबसे पहले इसको लगा के देख लें सप्लाई में। देखिए, लाइट आ गई है इसके अंदर। तो लाइट आई है, तो अब इसको हम क्या करें, कनेक्शन करके देखते हैं। दो वायर हम लेते हैं, इसको बंद कर दिया हमने। ठीक है, तो ये दो वायर हम लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों वायरों को हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की जो वायर बाहर निकले हुए हैं इन वायरों से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम इस पानी की टंकी, या हमारे पास पानी की टंकी है, सपोज इसको मान लो आगे पानी की टंकी है, ये इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो अलार्म बजता है नहीं बजता है, उस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने घर पे जाके अपना ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल कर सकते हो। ठीक है ना, अपने घर पे जाके प्रैक्टिकल आराम से इसको कर सकते हो। चलिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों वायरों को, जो ये तार आपको दिख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दोनों वायरों को आपस में एक दूसरे के कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वायर है, इस दूसरे वायर को भी हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग घर जाके आराम से इसको सेफ्टी से काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों तार हमारे पास निकल के आ गए और ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पानी टंकी हमारे पास है, इस पानी टंकी में क्या करते हैं, इसको हम डाल दिए। इधर आके दिखाइए इसको, इधर तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हमने डाल दिया है। ठीक है, तो जैसे हम डाला है इसी प्रकार से हमने, जैसे अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी तो है, लेकिन फिर भी हम एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल हमारे पास होता है नहीं होता है सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको डाल दिया है। हमने लगा दिया, लगाने के बाद में हमारे पास अब क्या करते हैं, इस अलार्म घड़ी को हम क्या करते हैं, ऑन की स्थिति में डालते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सप्लाई ऑन कर दी है। ठीक है, ये हमने तार लगा दिए। ठीक है, अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इस पानी को इस टंकी के अंदर डालते हैं, और पानी को डालेंगे तो अगर पानी अगर कम है तो तब तक तो नहीं बजेगा। जैसे पानी का लेवल, यानी कि जो तार हमने डाल रखे हैं, उस तारों के आपस में एक दूसरे के पानी अगर टच हो जाता है तो ये अलार्म बज जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पानी को डालिए इसके अंदर, डालिए पानी को डालिए, कम पड़ेगा तो इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पानी की टंकी भर चुकी है, देखिए अलार्म बज गया है। ठीक है, तो जैसे हमने पानी डाला है, पहले पानी कम था तो पानी के एकदम आपके सामने हमने डाला है, तो इसी प्रकार से ये अलार्म बज गया। अब क्या कह रहा है कि ये पानी की टंकी आप लोगों की भर गई है, ताकि आप मोटर को बंद कर दे। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोटर के ऑफ की स्थिति में डाल दो इसको, आप लोगों के सामने दिख रही है,
इसी प्रकार से अगर जब तक तार नहीं पानी भी नहीं बढ़ेगा तब तक अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लिया कि इसको थोड़ा सा और करता है, अब इसको मैंने मोटर को बंद कर दिया, लो यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे इसी प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे है कि जब तक ये दोनों तार आप लोगों के पानी के टच नहीं होंगे ना तब तक अलार्म नहीं बजेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे है कि पानी टंकी इसका मतलब खाली है, और जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे इसके पास में आएगा तो दोनों आपस में तारों क्या बढ़ेगा, स्पर्श होगा, स्पर्श होगा तो क्या होगा, इसका मतलब पानी की टंकी भर चुकी है। अब बिल्कुल एक लेवल के रूप में हम बात करें तो ऊपर की जस्ट जो ढक्कन होता है ढक्कन टंकी का उसके पास नहीं रखते, थोड़ा सा नीचे लटका के रखते हम ताकि थोड़ा सा टंकी खाली रहे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको एक दूर बैठे व्यक्ति भी आराम से मोटर को बंद कर सकता है या टंकी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो अगर ये नहीं लगाए तो अपन टंकी के पास में जाके उसको देखे इसमें टंकी भरी है कि नहीं भरी है, और इससे आप उनको नीचे बैठे हुए आदमी भी क्या कर सकता है उसको मोटर को बंद कर सकता है कि टंकी भर चुकी है, ये एक मैसेज डालता है कि आप पानी की टंकी आपकी फुल हो गई है और मोटर को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप चलो लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से प्रैक्टिकल हमारे पास क्या हुआ, सक्सेसफुल है, ठीक है भाई, समझ में क्लियर होगी ना चीज़, तो आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो आगे अपलोड करते रहिए, ठीक है ना भाई। यस सर, तो आज का वीडियो, और हम आप लोगों से फिर से गुजारिश करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो जैसे अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।